हेलो दोस्तों, वैकेंसी गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 का नया नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 1 मार्च 2023 की डेट से। ये गवर्नमेंट कॉलेज का वैकेंसी है जो कि परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि इसमें सब्जेक्ट डिटेल्स क्या है, वैकेंसी डिटेल्स क्या है और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब आप जान सकें। लेडी आरविन कॉलेज की तरफ से 1 मार्च 2023 की डेट से नया नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 2 अप्रैल 2023। इसमें सैलरी मिलेगा एकेडमिक पे लेवल 10 का, यानी कि 57,700 से लेके 182,400 तक प्लस HRA है। करीब स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा 80,000 तक। अब इसमें सब्जेक्ट डिटेल्स के साथ वैकेंसी डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। बी एड में टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें SC में है 1, OBC में है 1, EWS में है 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में है 3 वैकेंसी। बी एड इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी में है टोटल 3 वैकेंसी, अनरिजर्व कैटेगरी में है 2 और OBC में है 1 वैकेंसी। आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन में है टोटल 1 वैकेंसी जो कि SC कैटेगरी में है। फूड टेक्नोलॉजी में है टोटल 3 वैकेंसी, SC में 1 है, OBC में 1 है और अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ में है टोटल 6 वैकेंसी, 1 ST कैटेगरी में है, 1 OBC में है, 1 EWS में है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है और 1 PWD कैटेगरी में है। बायोकेमिस्ट्री में है टोटल 2 वैकेंसी, 1 SC में है और 1 OBC में है। बॉटनी में है टोटल 1 वैकेंसी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। केमिस्ट्री में है टोटल 2 वैकेंसी, 1 SC में है और 1 OBC में है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में है टोटल 8 वैकेंसी, 1 SC में है, 1 ST में है, 2 OBC में है, 2 EWS में है और 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है। इंग्लिश में है टोटल 1 वैकेंसी और जो कि OBC कैटेगरी में है। एनवायरमेंट में है टोटल 1 वैकेंसी, SC कैटेगरी में है। फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में है टोटल 5 वैकेंसी, 1 SC में है, 1 OBC में है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है और 1 PWD में है। फूड एंड न्यूट्रिशन में है टोटल 8 वैकेंसी, न्यूट्रिशन में टोटल है 8 वैकेंसी, 1 SC में है, 3 OBC में है, 2 EWS में है और 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में है टोटल 2 वैकेंसी, 1 SC में है और 1 ST में है। माइक्रोबायोलॉजी और फूड माइक्रोबायोलॉजी में है टोटल 1 वैकेंसी, OBC कैटेगरी में है। फिजिक्स में है टोटल 2 वैकेंसी, 1 EWS में है और 1 अनरिजर्व कैटेगरी में है। साइकोलॉजी में टोटल 1 वैकेंसी है OBC कैटेगरी में। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन में है टोटल 8 वैकेंसी, 1 SC में है, 1 ST में है, 2 OBC में है, 1 EWS में है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है और 1 PWD में है। सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में है टोटल 1 वैकेंसी, SC कैटेगरी में है। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। जूलॉजी में टोटल 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो टोटल 65 वैकेंसी है इसमें। अब इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्डहुड स्टडीज, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इंग्लिश एनवायरनमेंट, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, माइक्रोबायोलॉजी और फूड माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन, सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन सब में मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ UGC या CSIR नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ऐसा भी कंडीशन है जो नेट क्वालिफाइड ना हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो कैंडिडेट वर्ल्ड के जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है उनमें से PhD डिग्री की है तो वो नेट क्वालिफाई ना हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख लेते हैं अब कुछ जनरल नोट भी है। इसमें बताया है कि 11 जुलाई 2009 से पहले जो कैंडिडेट अपना MPhil डिग्री या PhD डिग्री रजिस्टर की है और उनको डिग्री भी मिल गए तो वो कैंडिडेट अगर नेट क्वालिफाई ना हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन बता दिए गए हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें 5% की मार्क्स रिलैक्सेशन भी है SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए। अब इसमें एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 500 रुपीज़
जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एससी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। इसमें शॉर्टलिस्टिंग कैसे होते हैं अब वो देख लेते हैं। ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव मार्क्स हो तो 21 मार्क्स मिलेगा, 60% टू लेस देन 80% है तो 19 मार्क्स, 55% टू लेस देन 60% है तो 16 मार्क्स, 45% टू लेस देन 55% है तो 10 मार्क्स मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव मार्क्स है तो 25 मार्क्स, 60% टू लेस देन 80% है तो 23 मार्क्स, 55% टू लेस देन 60% है तो 20 मार्क्स मिलेगा। एमफिल या एमएड में 60% एंड अबव है तो 7 मार्क्स, 50% टू लेस देन 60% है तो 5 मार्क्स मिलेगा। पीएचडी डिग्री के लिए 25 मार्क्स, नेट विथ जेआरएफ के लिए 10 मार्क्स, सिर्फ नेट है तो 8 मार्क्स मिलेगा। ईच रिसर्च पब्लिकेशन के लिए मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स। टीचिंग एक्सपीरियंस और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए है मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड के लिए है 3 मार्क्स, स्टेट लेवल अवार्ड के लिए है 2 मार्क्स। तो इसमें शॉर्टलिस्टिंग कैसे होते हैं वो भी बता दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना, और अप्लाई करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई करना। एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेबल नहीं है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और भी बहुत सारे कॉलेजेस में वैकेंसी आ रहे हैं, उसका भी अपडेट हम हमारे चैनल पे दे रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।